जी बताइए, आज आप गुरु जी से मिले हैं, समाज को लेकर कुछ टिप्पणी हुई थी, क्या रहा? गुरु जी ने कल अपने एक प्रवचन में समाज को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसमें गुरु जी ने कहा था कि कभी आपने धोबी समाज के लोगों को स्वच्छ देखा है। इस टिप्पणी को लेके पूरे रजक समाज में बहुत रोष व्याप्त है और सभी रजक समाज के लोगों को गुरु जी की इस टिप्पणी से ठेस पहुंची है, पीड़ा पहुंची है। पूरे प्रदेश भर में से सभी समाजजनों के फ़ोन मेरे पास आए हैं, गुरु जी के ख़िलाफ़ उनके घोर निंदनीय शब्द हैं, वे गुरु जी के शब्दों से बहुत आहत हुए हैं और गुरु जी इसमें अपना स्पष्टीकरण दे या उनसे कोई भूल या त्रुटिवश कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना समाज के सामने करें, ताकि समाज में संतों को लेके कोई रोष उत्पन्न ना हो, क्योंकि समाज में संत का जो दायित्व रहता है वो समाज उत्थान का, समाज विकास का रहता है और सबको एक साथ लेकर चलने का एक समाज के संत का दायित्व बनता है। अगर समाज के लोगों को इससे कोई आहत पहुँची हो या ठेस पहुँची हो तो गुरुजी अपना स्पष्टीकरण दे कि मेरा कहने का मतलब क्या था, क्योंकि हमने कथा को पूरा श्रवण किया है। गुरुजी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि अपने विषय से भटक गए हैं, वो कुछ और बोलना चाहते थे या फिर बोल नहीं पाए, तो इस विषय को लेकर हम लोग एक समाज का प्रतिनिधि मंडल जो उज्जैन का है वो उनसे मिलने आया है, भेंट करने आया है और भेंट करके गुरुजी से स्पष्टीकरण मांगने आया है कि आप अपना वक्तव्य का स्पष्टीकरण दें, ताकि समाज में जो भ्रांति हुई है उस भ्रांति को हम मिटा सकें।